देवास जिले के सोनगंज के पास टोंकुर्द में शुक्रवार शाम टोंकुर्द थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान के कक्ष का छज्जा गिर गया, जिसमें दो लोग घायल हो गए। टोंकुर्द थाना प्रभारी अपने कक्ष में दो व्यक्तियों की फरियाद सुन रहे थे, तभी थाना प्रभारी के कक्ष का छज्जा भरभराकर अचानक गिर गया, जिससे राजेश पिता नग्गाजी परमार एवं कचरूलाल पिता प्रताप सिंह दोनों निवासी ग्राम पांदा घायल हो गए, जिनका टोंकुर्द के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज किया गया। गौरतलब है कि टोंकुर्द थाना भवन 1980 का बना हुआ है, जो कि जीर्ण शीर्ण हालात में हो गया था। पूरे भवन की छत से बारिश में पानी टपकता है, जिससे बरसात में कई बार थाने का रिकॉर्ड भी गीला हो चुका है। थाने की जर्जर स्थिति में पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी वाकिफ हैं। वर्तमान देवास पुलिस अधीक्षक व पूर्व पुलिस अधीक्षक भी कई बार थाने के मुआयने करने आए और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल भी भेज दिया गया था, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुख्यालय के ढूलमूल रवैये से आज ये छोटा हादसा हुआ, कल को कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सोनकर से दीपक झाला की रिपोर्ट।